दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि आतंकवादी मसूद अजहर पर फ्रांस की कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने का आदेश। फ्रांस सरकार ने जैश ए मोहम्मद के संस्थापक और आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस सरकार ने उसकी सारी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। फ्रांस ने एक बार फिर कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में वह हमेशा भारत के साथ है। वहीं अमेरिका सांसद ने भी मसूद को आतंकी घोषित करने की नहीं करने के चीन के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। फ्रांस के वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि फ्रांस मसूद अजहर को यूरोपीय संघ की सूची में शामिल करने पर चर्चा करेगी, जिसमें लोगों के आतंकवाद में शामिल होने की आशंका है। उन सभी की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चीन का आतंक पर दोहरा रवैया, कहा पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान पर ना साधे निशाना। चीन ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वह कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना ना साधे। इसके साथ ही उसने दोहराया है कि संकट के समय में वह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और पूरी मजबूती से इसकी क्षेत्रीय अखंडता और सप्रभुता का समर्थन करेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पुलवामा हमले पर चर्चा की, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्ते को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। कुरैशी ने वांग से कहा कि इस हमले के बाद कश्मीरियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ गया है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पहले भी और अब भी भारत से संबंध बेहतर करना चाहता है और संवाद के लिए तैयार है। दोनों विदेश मंत्री बीजिंग में चीन पाकिस्तान रणनीतिक संवाद के तहत मिले और यह मुलाकात चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को चौथी बार बाधित करने के एक हफ्ते बाद हुई। जैश ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान पर अपने यहाँ मौजूद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी बढ़ गया है। वांग ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में या क्षेत्र चीजें किस तरह बदलती हैं। चीन पूरी मजबूती से पाकिस्तान की सप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आजादी व सम्मान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, चीन तनाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर पाकिस्तान की सराहना करता है। हम पाकिस्तान और भारत से संयम बरतने और मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करने का आह्वान करते हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, कर्नाटक में निर्माणाधीन इमारत गिरी, दो की मौत। उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ में मंगलवार को 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कई अन्य लोग मलबे में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी चौकीदार होने का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर मंगलवार को तंज कसते हुए आरोप लगाया कि वह चौकीदार होने का नाटक कर लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वह ऐसे अभियान का सहारा ले रही है। जो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मोदी अपने ब्रांड को फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही फ्लॉप हो चुका है और इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अब उसकी पैकेजिंग, नाम एवं रंग बदल दिया है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 2013 में मोदी ने विदेशों में जमा 80 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस लाने और 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जमा करने का वादा किया था। उन्होंने कहा, 2014 में चुनावों से ठीक पहले उन्होंने देश में अच्छे दिन लाने का लोगों से वादा किया था और 2015 में इसे बदलकर सबका साथ सबका विकास कर दिया। सुरजेवाला ने कहा, 2016 में मोदी जी ने कहा वह नए भारत का निर्माण करेंगे और 2017 में कहा मेरा देश बदल रहा, जबकि 2018 में उन्होंने लोगों से कहा कि वह साफ नियत सही विकास के साथ काम करेंगे। 2019 में मोदी ने कहा मैं भी चौकीदार। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी हार निश्चित मान रहे हैं और भ्रमित हो गए हैं, इसलिए वह अपने चुनावी नारे बार बार बदल रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सभी भाषाएं सम्मान योग्य हैं, उन्हें वर्ग एवं समुदाय में नहीं बांटा जा सकता। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि सभी भाषाएं सम्मान योग्य हैं और उनको वर्ग और समुदाय में नहीं बांटा जा सकता। श्री नाईक ने मंगलवार को राजभवन में स्वर्गीय अख्तर मोहानी के उर्दू काव्य संग्रह की प्रथम प्रति शबिस्ता भेंट की गई। काव्य संग्रह शबिस्ता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य सभी भाषाएं सम्मान योग्य हैं, भाषाओं को वर्ग और समुदाय में नहीं बांटा जा सकता। भारत की विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में भाषाएं एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। जो भारत के संविधान की भाषा है वह भारत की भाषा है और जो भारत की भाषा है वह अपनी भाषा है। उन्होंने कहा कि इस भूमिका में हमें सोचना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गोवा की नई सरकार का शक्ति परीक्षण, मुख्यमंत्री ने जीत का विश्वास व्यक्त किया। गोवा की भाजपा नीत नई सरकार गठित होने के एक दिन बाद बुधवार को राज्य विधानसभा में उसका शक्ति परीक्षण होगा। लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि राज्य में पहली बार दो उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य पाल मृदुला सिन्हा ने शक्ति परीक्षण संपन्न कराने के लिए पूर्वाह 11:30 बजे विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। सदन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने बुधवार को सदन में शक्ति परीक्षण करवाने के लिए कहा है ताकि वह अपना बहुमत साबित कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री आवास में भाजपा की बैठक को नहीं माना आचार संहिता का उल्लंघन, दिया क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से सत्तारूढ़ भाजपा की बैठक को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्य विपक्षी कांग्रेस की ओर से की गई एक शिकायत को जांच के बाद आज खारिज कर दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस मुरली कृष्ण ने बताया कि इस मामले की जांच के बाद आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया है। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सर्किट हाउस, डाक बंगले आदि में ऐसी बैठक नहीं हो सकती, पर मुख्यमंत्री निवासी में ऐसी बैठक पर रोक नहीं है। हमने इस मामले को जांच के बाद बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हरियाणा में एकजुटता के लिए कांग्रेस 26 मार्च से शुरू करेगी बस यात्रा। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में नेताओं के बीच मतभेद को लेकर लंबे समय से चली आ रही खबरों की पृष्ठभूमि में पार्टी ने फैसला किया है कि राज्य के नेताओं की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए 26 मार्च से बस यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने मंगलवार को पीटीआई भाषा को बताया कि यह यात्रा 26 मार्च को फरीदाबाद से शुरू होगी और यह राज्य के सभी इलाकों में जाएगी। पार्टी ने इस यात्रा की पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए 23 मार्च को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस यात्रा से जुड़े फैसले पर मुहर लगाई गई। अभी यह तय नहीं है कि यह यात्रा कितने दिनों तक चलेगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यात्रा करीब एक सप्ताह की होगी और इसका समापन झज्जर में होगा। फिलहाल यह तय हुआ है कि इस यात्रा के तहत हरियाणा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक बस में सवार होंगे और पूरे राज्य का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हादसे के बाद टूटी रेलवे की नींद, भांडुप कुर्ला समेत 3 स्टेशन के फुटओवर ब्रिज ढहाने का किया फैसला। मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। मध्य रेलवे ने भांडुप कुर्ला, विक्रोली, दीवा और कल्याण जंक्शन स्टेशन के फुटओवर ब्रिज को ढहाने का फैसला किया है। मध्य रेलवे ने पहले फुटओवर ब्रिजों को ढहाने के लिए टेंडर को पास कर दिया है। इससे पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर हुए फुटओवर ब्रिज हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑडिटर नीरज देसाई को गिरफ्तार किया। नीरज देसाई ने पुल का ऑडिट किया था। इसके अलावा पुलिस ने ब्रह्म मुंबई नगर निगम बीएमसी और भारतीय रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद बीएमसी के 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया था। मुंबई पुलिस ने ब्रह्म मुंबई नगर निगम बीएमसी और भारतीय रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। बता दें कि 14 मार्च को मुंबई में फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने से कई लोग घायल हो गए थे, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई थी। 5 मृतकों की पहचान अपूर्वा प्रभु, रंजना तांबे, भक्ति शिंदे, जाहिद सिराज खान और तपेंद्र सिंह के रूप में हुई थी।
एक प्रत्याशी ने बताया कि जब पुल ढहा तब पास के सिग्नल पर लाल बत्ती के चलते ट्रैफिक रुका हुआ था और इसी कारण से ज्यादा मौतें नहीं हुई। वहीं अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आज सुबह पुल पर मरम्मत कार्य चल रहा था, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया गया। इस पुल को आमतौर पर कसाब पुल के नाम से जाना जाता है क्योंकि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादी इसी पुल से गुजरे थे। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इतिहास में पहली बार मार्च के माह में हो रही है जमकर बर्फबारी। प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जमा भारी बर्फ और क्षेत्र में रोजाना शाम को बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने में यमुनोत्री धाम में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तप्त कुंड का पानी डालकर यमुनोत्री धाम के आसपास रास्ते में जमा बर्फ पिघलानी पड़ रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च के तीसरे हफ्ते में भी जानकी चट्टी में यमुनोत्री तक का 5 किलोमीटर रास्ता तीन से चार फीट बर्फ से ढका हुआ है। यमुनोत्री धाम में पुल निर्माण के लिए ठेकेदार ने किसी तरह मजदूरों को तो धाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन रास्ते में बर्फ जमा होने से अभी खच्चरों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इस कारण यमुनोत्री धाम पर निर्माण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में गतिविधियां बढ़ी। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर गतिविधियां तेज हो रही हैं और 2-3 दिन में उम्मीदवारों की सूची जारी कर देने की संभावना है। कांग्रेस बदलते राजनीतिक माहौल के कारण अब अपने दिग्गज मंत्रियों और विधायकों पर भी दांव खेल सकती है और इसके मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लाल चंद्र कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने पर मंथन किया गया है। पहले पार्टी के नेताओं द्वारा मौजूदा मंत्रियों एवं विधायकों को चुनाव मैदान में नहीं उतारे जाने की बात कही जा रही थी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने सैफ, सोनाली सहित इन बॉलीवुड सितारों को भेजा नोटिस। काला हिरण शिकार मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो जोधपुर हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम कोठारी और दुष्यंत सिंह को नोटिस भेजा है। दरअसल इस केस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस केस की बात की जाए तो सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने 1-2 अक्टूबर 1998 की रात को एक काले हिरण का गोली मारकर शिकार किया था। साथ ही सैफ, तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्रे पर सलमान खान को उकसाने का आरोप लगा। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी के बाद अब मदर टेरेसा पर बनेगी बायोपिक। नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा पर सोमवार को एक आधिकारिक बायोपिक की घोषणा की गई। सीमा उपाध्याय द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार नजर आएंगे। इसका निर्माण प्रदीप शर्मा, नितिन मनमोहन, गिरीश जौहर और प्राची मनमोहन करेंगे। निर्माताओं ने मिशन रीज ऑफ चैरिटी की वर्तमान सुपीरियर जनरल सिस्टर प्रेमा मैरी पियरिक और कोलकाता में सिस्टर लिन से इस परियोजना के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुलाकात की थी। सीमा ने एक बयान में कहा, हमने कोलकाता में मिशन रीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और यह अनुभव शानदार था। निर्माता दिवंगत मदर टेरेसा पर एक फिल्म को लेकर काफी खुश हैं, जो अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। फिल्म निर्माता 2020 तक फिल्म रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत में ही होगा पूरा आईपीएल, चेन्नई में फाइनल 12 मई को। देश में अप्रैल मई में आम चुनावों के चलते इस बात की अटकलें लग रही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के कुछ हिस्से को विदेश में कराया जा सकता है, लेकिन भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को आईपीएल का शेष कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पूरा टूर्नामेंट भारत में ही होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2019 के पहले
17 मैचों का कार्यक्रम जनवरी में जारी किया था, जो 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होने थे, और तब कहा गया था कि शेष कार्यक्रम को आम चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद जारी किया जाएगा। आईपीएल की शुरुआत 23 मार्च से होनी है और इसका पहला मैच गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में समय के बदलाव की भी अटकलें चल रही थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और दिन के मैचों का समय 4 बजे तक, रात के मैचों का समय 8 बजे तक ही रहेगा। बीसीसीआई के शेष कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि हमें यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही कि पूरा टूर्नामेंट भारत में ही होगा और 8 फ्रेंचाइजी की टीमें अपने सभी 7 घरेलू मैच अपने संबंधित स्थलों पर खेलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि घर खरीदना होगा सस्ता। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ ऐसा निर्णय। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी है। इससे 1 अप्रैल 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायती दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर 1% कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर 5% कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने में राजस्व सचिव ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की इस 34वीं बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस राज्य से, किस शहर से, इसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके राज्य की हर न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।